हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आपकी बहुत सारी क्वेरीज है वेरिफिकेशन को लेकर के, अपडेट्स को लेकर के, और बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो एक सिंपल चीज बता दूं कि ये वाला वीडियो ना आप आखिर तक देखना, जिससे आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप तक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले बात करें तो आज के इस वीडियो में मैं कौन सी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या किन किन लोगों का वेरिफिकेशन कंपलसरी है, वेरिफिकेशन कौन सी कॉलेज में करना है। बीए ऑनर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, क्या वैसा ही अपडेट बीकॉम बीबीए बीसी एमएससी आईटीआई एमबीए वालों का आ सकता है। फिर कॉलेज प्रेफरेंस को कैसे चेंज करें सब कुछ लॉक हो जाने के बाद, और क्या मॉक राउंड के अंदर कितनी कॉलेज, क्या एक से ज्यादा कॉलेज डिक्लेयर होगी, और इस तरह से बहुत सारे डाउट सॉल्विंग में आपके करने वाला हूं। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको वेरिफिकेशन को लेके बहुत ज्यादा क्लियर बात बता दूं कि वेरिफिकेशन किन लोगों का करना है। तो जो लोग ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या पीएच, पीएच यानी फिजिकल डिसेबल है, इन सभी लोगों को अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सही है या गलत, ये लोग वो चेक करते हैं। ठीक है, ठीके? अगर आप जनरल में हो तो जनरल में आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना, जनरल वालों को नहीं करवाना। और एक और चीज, अगर आपने इस साल एग्जाम दी है 2023 में, ठीक है, और आप इन सब कैटेगरी में आते हो तो भी आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर मान लो आपने, आप जनरल में हो और 2023 में दी है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। बट अगर आप जनरल में हो और 2022 में भी एग्जाम दी है या 2021 में एग्जाम दिए फिर ड्रॉप लिया था, तो आप सबको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो इन शॉर्ट सिंपल है इसके अंदर कि कौन लोग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। एक तो वो लोग जिन्होंने 2023 से पहले एग्जाम दी है, और वो लोग जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और पीएच में आते हैं यानी कि फिजिकल डिसेबल है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सी कॉलेज के बाहर इस तरह की फोटो लगाई गई है जिसमें क्या देकर रखा है कि वेरिफिकेशन के लिए जो भी बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स को आगे पीछे करना है, मतलब कि कैसे सिक्वेंस में रखना है। तो देखो, जो कॉलेज बीकॉम बीबीए बीएससी एमएससी आईटी इंटीग्रेटेड एमबी के लिए करती है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो ये कॉलेज बीकॉम बीबीए बीएससी और एमएससी आईटी के लिए ही वेरिफिकेशन करती है। तो देखना आप लोग कई कौन सी कॉलेज में आपको जाना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे, तो देखो आपको सबसे पहले ना आपने जो ऑनलाइन फॉर्म की फीस जो भरी थी, मतलब 125 रुपए या 175 वॉट एवर जो आपने फीस भरी है, एक उसकी रिसिप्ट की जो फोटो होती है वो आपको लेके जाना है। देन आफ्टर आपकी जो स्कूल का एलसी है वो आपको लेके जाना है, मतलब स्कूल के एलसी की जेरोक्स लेके जानी है। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। अगर मान लो 12th की मार्कशीट नहीं है, आपके पास ऑनलाइन जो स्क्रीनशॉट होता है वो है, तो उसकी जेरोक्स लेके जाना। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिजिकल डिसेबल हो तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और यहाँ पे ये भी कहा है कि जो ओबीसी में आता है ना उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है, सिर्फ ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, तो ये सारे सिक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और सबकी दो दो कॉपी करके जानी है। यहाँ पे लिखा है जेरोक्स ना बे सेट करवा, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट की दो दो जेरोक्स, इस तरह से टोटल दो सेट बना के लेके जाना, इस तरह से सिक्वेंस में रख के। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, क्या कौन सी कॉलेज में वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लो बुकलेट, क्योंकि बुकलेट में आपको पता चल जाएगा कि वेरिफिकेशन कौन सी कॉलेज का होता है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर बुकलेट डाउनलोड कहाँ से करें, तो देखो वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो मोर डिटेल्स में जाना, मोर डिटेल्स में जाते ही आपको यहाँ पे इस तरह का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर, जैसे मान लो मैं बीएससी में जाऊंगा तो मेरे को बीएससी की बुकलेट मिलेगी, अगर बीकॉम बीबीए बीसीए में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ से उसकी बुकलेट मिलेगी। अब बुकलेट डाउनलोड कहाँ से करनी है, तो ये सारी देखो लिंक है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आगे थी रिवाइज बुकलेट करके थी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बुकलेट को क्लिक करने पे ही आपके मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बुकलेट में जो जो कॉलेज देके रखी है ना उसी कॉलेज में जाके आपको अपना वेरिफिकेशन जो है वो करवाना रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो उसके बाद वाला मैं बताने वाला हूँ बीए ऑनर्स की अपडेट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुकी है। क्या अपडेट है तो ध्यान से सुनना, खास करके वेरिफिकेशन वालों के लिए ही ये अपडेट देके रखी है बीए ऑनर्स की। ठीक है, बीए ऑनर्स की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ।
जैसे ही यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन पोर्टल ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे बीए ऑनर्स का कोर्स है, उस पर आप क्लिक करना। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। 13 तारीख को इंस्ट्रक्शन आई थी जिसमें क्या बताया है कि वावाजोड़ा असरगत माटे वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि अभी जो बिफोर जो साइक्लोन आ रहा है उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है कि जो ऐसे बच्चे जो साइक्लोन की वजह से कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते या वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, आपका एप्लीकेशन की पीडीएफ है, आपका एप्लीकेशन आईडी है, मोबाइल नंबर है और आपके सारे डॉक्यूमेंट, वो इस पे आपको मेल करना है, जीमेल कर देना इस आईडी के ऊपर। मेल करने के बाद इसमें आपको लिखना होगा बीए इमरजेंसी वेरिफिकेशन, इस तरह से सब्जेक्ट के अंदर ये लिख लेना, तो जाके वो लोग आपका पूरा वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद आप वहां पे आपको ये लिखना होगा कि आपको अपना जो एड्रेस है वो भी आधार कार्ड इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज आपका एड्रेस क्या सही में आप उसी जगह से हो जहां पे साइक्लोन आ रहा है, इसलिए आपको वहां पे एड्रेस भी लिखना होगा अपना, जिससे आपका जो हेल्प सेंटर है वो आपका वेरिफिकेशन कर लेगा। और इसका भी एक टाइम लिमिट है, यानी कि इसकी लास्ट डेट है 16 डेट, यानी 16 तारीख तक वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ये तो मैंने बात की बीए वालों की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बीकॉम बीबीए वालों की, तो उनका वेरिफिकेशन किस हिसाब से होगा। तो उन लोगों की वेरिफिकेशन की जब मैं नोटिस देखता हूं तो उनका जब आप एडमिशन पोर्टल ओपन करते हो तो यहां पे कोई भी ऐसी नोटिस नहीं आई है, मतलब कि अभी तक बीकॉम बीबीए बीसीए या एमएससीआईटी या इंटीग्रेटेड एमबीए वालों के लिए कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है। दैट मींस उनको वेरिफिकेशन अभी भी कॉलेज में जाके करवाना पड़ेगा। इन केस शायद अगर मान लो आता है ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई मैसेज गुजरात यूनिवर्सिटी बताते हैं तो हम लोग हमारी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, जिस वजह से आप सभी लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ आ सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा ना भी आए, ठीक है। बट बीए वालों के लिए तो आ गया है, उन लोगों के लिए जो लोग साइक्लोन वाले एरिया में रहते हैं। चलो अभी आगे बात करें तो अब मैं कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। और वो ये चीज भी आप लोग आखिर तक देखना, ठीक है, जिसमें मैं क्या बताऊंगा कि कॉलेज प्रिफरेंस को चेंज कैसे करें। यानी कि बहुत से बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमने कॉलेज सिलेक्ट कर ली, लॉक हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब कॉलेज प्रेफरेंस चेंज कैसे करना है। तो अगर आपने कॉलेज को लॉक कर दिया है, मतलब कि आपका पूरा फॉर्म लॉक हो चुका है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चेंज कर सको। बट आपके पास एक रास्ता है, कुछ दिनों बाद आप जब की डेट्स देखना तो कुछ दिनों के बाद एक मॉक राउंड आएगा। मॉक राउंड के अंदर ना जो कॉलेज सिलेक्शन वाला पार्ट है ना वो ओपन हो जाएगा। उस मॉक राउंड के अंदर अगर आप कॉलेज को ऊपर नीचे करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो या कोई कोर्स भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो मॉक राउंड के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, कॉलेज डिक्लेयर होगी मॉक राउंड में। तो भाई कितनी कॉलेज डिक्लेयर की जाएगी मॉक राउंड में, तो मॉक राउंड में एक ही कॉलेज आती है और ये एक कॉलेज जो होगी अगर आप चाहते हो उसमें एडमिशन लेना तो आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर मान लो आप दूसरी कॉलेज लेना चाहते हो तो अपने प्रेफरेंस को वापिस अप और डाउन कर सकते हो, आपका वो ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर अब बात करते हैं बहुत सारे बच्चों के डाउट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, तो चलो एक एक करके सारे कमेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहला कमेंट यहां से शुरू करते हैं, सर क्या मेरिट लिस्ट में मोर देन वन कॉलेज आ सकती है। आंसर इज नो, मेरिट लिस्ट में सिर्फ एक ही कॉलेज आती है, यानी कि जब आपका मेरिट निकलेगा तो आपको एक मेरिट रैंक दिया जाएगा, उस बेसिस पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। और जब कॉलेज आपको सिलेक्ट करेगी तब कोई एक ही कॉलेज आपको सिलेक्ट कर सकती है, एक से ज्यादा कॉलेज आपको सिलेक्ट करेगी नहीं, मतलब कि मेरिट राउंड में आपको एक ही कॉलेज लगेगी। बोलो क्लियर हो गया, मतलब एक ही कॉलेज आपको लग सकती है, अगर आपको नहीं चाहिए तो नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करना और अपनी कॉलेज को बदल सकते हो। आगे बात करें दूसरा, कॉलेज ना चॉइस फिलिंग वक्त है, कॉलेज सिलेक्ट ना करेली कॉलेज ऐड करी सका है। हाँ, अगर आप कॉलेज अपने जैसे भी मन चाहे ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ये याद रखना अगर आपका फॉर्म लॉक हो चुका है तो नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है, जब आप फॉर्म भर रहे हो। और आपको बता दूं बीकॉम बीबीए बीए सब लोगों के लिए आज लास्ट डे है, 15 तारीख लास्ट है फॉर्म भरने के लिए, तो आज के आज फॉर्म भर देना। और अभी तक आप लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो 16 तारीख यानी कल तक लास्ट दिन है वेरिफिकेशन का, कल चले जाना और वेरिफिकेशन करवा देना।
आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ एक और लिखा है, हाय टीम, बीएससी एडमिशन गुजरात यूनिवर्सिटी में बंद हो गई है, शायद मैंने अप्लाई नहीं किया था अभी तक। अच्छा, बीएससी की बात करें तो बीएससी का एडमिशन अभी बंद हो गया है। बंद हो गया है मतलब पहला राउंड चालू हो गया है, ठीक है। अब आप लोग कर तो सकते हो बट अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद जब दूसरा राउंड चालू होगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज बीकॉम में भी हो सकती है, बीएससी बीए सब में हो सकता है कि अगर आप मान लो फॉर्म भरना रह जाता है तो नेक्स्ट राउंड के अंदर आप क्या कर देना, फॉर्म फिल कर देना, आपके लिए ओपन होगा। अब नेक्स्ट अपना जो क्वेरी थी वो देखते हैं, हेल्थ सेंटर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम इन वेरिफिकेशन स्टेटस। ये चीज ना बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर वेरिफिकेशन स्टेटस में किसी का खाली आ रहा है। खास करके मैं बात करूं जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उन लोगों का वेरिफिकेशन स्टेटस शायद खाली भी आए, बिकॉज जनरल कैटेगरी वालों को इस बार वेरिफिकेशन नहीं करवाना, बिकॉज जनरल कैटेगरी वालों का वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर मान लो आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ही आपको वेरिफिकेशन करवाना है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करें, हाउ टू चेंज कॉलेज चॉइस आफ्टर ऑल प्रोसेस। सब प्रोसेस खत्म होने के बाद कॉलेज चॉइस नहीं कर सकते अगर आपका एप्लीकेशन लॉक है, ठीक है। आने वाले टाइम में आप कर सकते हो, भाई एप्लीकेशन लॉक हो गई है और मुझे कॉलेज चेंज करनी है तो क्या करूं, प्लीज सपोर्ट मी भाई। इसमें देखो सिंपल चीज है कि आपकी एप्लीकेशन लॉक होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, अब आप मॉक राउंड के अंदर ही कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम दूसरा फॉर्म भर दे, अब भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्म भरोगे तो आपका जो नंबर होता है मतलब सीट नंबर वो दो दो बार चला जाएगा वहां, तो शायद एक फॉर्म कैंसिल हो जाए, वो फॉर्म कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, सर फॉर्म भरने में गलती हुई हो तो कैसे सुधारे। अब आप अगर मान लो फॉर्म लॉक हो गया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप गुजरात यूनिवर्सिटी जाओ और वहां जाके आपकी जो भी मिस्टेक है उसको सुधरवा सकते हो। नेक्स्ट, सर 10th में 2017 में पास आउट किया है, 12th 2023 में अभी पास आउट किया है, बोथ आर फर्स्ट अटेम्प्ट सो नीड टू गो फॉर वेरिफिकेशन, या वन ठीक वेयर वी हैव टू गो वेरिफिकेशन। मतलब देखो अगर आपने दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है और इस साल पास किया है तो नहीं जाना है, ठीक है। और कौन सी कॉलेज आती है गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो वो आप बुकलेट में से देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे आपके डाउट्स थे, अगर ऐसे ही कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।